अस्सलाम वालेकुम एसएलएस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज आपका काउंटिंग का 24 लेक्चर है। आप अपनी गौर काउंटिंग की राइटिंग बुक निकालें और इसका पेज नंबर 15 ओपन करें। जी मदर्स, आपने बच्चे को पेज नंबर 15 ओपन करके दे दिया। सबसे पहले ऊपर यहाँ पर आज की डेट मेंशन करें। आज की डेट है 09/07। इस एक्टिविटी में पता है बच्चों आपने क्या करना है? काउंट, राइट एंड कलर। आपने ये जो चीज़ें दिखाई दी हैं इनको काउंट करना है। फिर यहाँ पे ये नंबर राइट होगा, मतलब ये नंबर जो है ये राइट नहीं है, तो आप उससे बच्चे को ये डार्ट लगा ले, लगा कर दे दे। मैंने भी इसी तरह से तरीके से कुछ डार्ट लगाए हैं और फिर बच्चे उसके ऊपर राइटिंग करेंगे, क्योंकि बच्चे अभी फ्री हैंड राइटिंग नहीं कर सकते। तो बच्चों आपने क्या करना है, इनको काउंट करना है। फिर ये जो नंबर, ये जो राइट है, इसके ऊपर आपने इसको क्या है, डार्ट्स के ऊपर इसको राइट कर देना है। तो क्या है, हम काउंट करते हैं ये कितने पेग्स हैं। 1, 2, तो ये 2 राइट है ना, तो आपने अब 2 पर राइटिंग करनी है। इस तरह से उल्टी राइटिंग नहीं करनी, ठीक है? ऊपर से ऐसे लेके आना, पेंसिल को दबा के रखना है, आराम आराम से डॉट्स पर आराम से राइटिंग करते। और ये देखे मैंने दबा कर किया, तो ये क्या बन गया, राइट कर दिया मैंने 2। आप फिशेस काउंट करते हैं ये कितनी है, 1, 2, 3, आराम से काउंट करना है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो, ठीक है? कितनी फिशेज है, 3, तो हम अब 3 पर राइटिंग करते हैं। ये देखिए, ए, इस तरीके से आराम से दबा कर पेंसिल को रखना है, 3। नेक्स्ट है स्माइलीज कितने हैं, ये काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, कितने हैं, 4, ये 4 राइट है, अब 4 पर राइटिंग करते हैं। इसी तरह ऊपर से ऐसे तिरछी लाइन, फिर सीधी पेंसिल को उठा लिया और फिर इसके ऊपर ये सीधी लाइन लगा दी, ये क्या बन गया, नंबर 4। इस तरीके से आपने राइट करना है और फिर इन इन पिक्चर्स में आपने कलर भी करने हैं, ठीक है? और इसी पेज पर नेक्स्ट की एक्टिविटी है काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 4 to 0, मतलब 4 से इस तरह आपने बैक लेके आना है। यहाँ पर भी डॉट्स नहीं लगे हुए, आप उससे बच्चे को डॉट लगा के दे दें। 4 से पहले क्या आता है, 3, अब 3 को राइटिंग करेंगे इस तरह ऊपर से, इस तरह नीचे लेके आएंगे, ये देखें इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है 3 के बाद से पहले क्या आते हैं, 2 की इस तरह से राइटिंग नहीं, ऊपर से ऐसे लेके आना है, ठीक है? ये दबा कर पेंसिल को रखना है, 2 से पहले क्या आता है, 1 का तो आपको राइटिंग करनी आती है, लेकिन ऐसे नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ लेके आना है, 1। फिर क्या आ गया, 0, 4, 3, 2, 1, 0, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आप इसी तरीके से इस पेज पर इस एक्टिविटी को डन करना है और कलर भी करने हैं और फिर मुझे इसकी पिक्चर बना के सेंड करनी है। मैं देखती हूँ किस बच्चे ने ठीक तरीके से इस एक्टिविटी को डन किया, ठीक है बच्चों? टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।